सिपाहियों को तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिसके बाद सिपाही रवींद्र सिंह और सिपाही रमाकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें पीजीआई ले जाया गया, जहां सिपाही रवींद्र सिंह की मौत हो गई। आज डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह लाया गया। इस दुखद घटना पर परिवार को सांत्वना देने के लिए एसएसपी सहित तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे, जहां सभी पुलिसकर्मियों ने पूरे सम्मान के साथ शव विच्छेदन कर सिपाही की मौत पर दुख प्रकट किया। आपको बता दें कि गश्त पर हुई दुर्घटना में जहां एक सिपाही की मौत हो गई, वहीं दूसरे सिपाही का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। दुर्घटना में हुई सिपाही की मौत पर एसएसपी लखनऊ शव गृह पहुंचे, जहां उन्होंने शव विच्छेदन कर सिपाही को श्रद्धांजलि दी। इस दुर्घट घटना पर उन्होंने कहा, कल रात पीजीआई थाने में हमारे एक जाबाज सिपाही की मौत हुई, जो ड्यूटी पर तैनात था। इसमें तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों सिपाही घायल हो गए। एक सिपाही जिसका नाम रविंद्र सिंह था, पीजीआई ले जाया गया, जहां से उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा सिपाही खतरे से बाहर है और इसका इलाज ट्रामा में चल रहा है। और आज सिपाही का शव गृह में शव विच्छेदन किया गया, डेड बॉडी को उसके घर भेजा जा रहा है। सिपाही की हुई मौत पर हम सब लोगों को बहुत दुख है। इसके साथ ही डीजीपी ने भी संवेदना व्यक्त की और सभी पुलिस कर्मियों ने भी संवेदना व्यक्त की। और जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई थी, गाड़ी चालक को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, जिसमें 304 ईपीसी द्वारा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आज रात पीजीआई थाना क्षेत्र में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें हमारा एक जांबाज सिपाही, जो कि ड्यूटी पर तैनात था और रात की गश्त में था, एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने पीछे से उसको टक्कर मार दी और उसमें हमारे दोनों सिपाही घायल हो गए। एक सिपाही को पीजीआई थाना ले जाया गया, जिसका नाम रविंद्र था। पीजीआई में उसे मृत घोषित किया गया। दूसरी सिपाही खतरे से बाहर है और हम लोग उसके बाद आज उसका यहाँ पर सवदा गृह में शव विच्छेदन किया गया और उनके परिवार के साथ उसको घर भेजा जा रहा है। हम लोग सभी पुलिसकर्मी इस पर बहुत शोकाकुल हैं और इस बात का हम लोगों को दुख है। और इसमें डीजीपी साहब ने भी, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त किया और सभी पुलिसकर्मियों की संवेदना है। और जो इसमें जिसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। उसको अरेस्ट कर लिया गया है, 304 IPC की धारा में मुकदमा दर्ज है और वो अरेस्टेड है।